बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जाइलम वेसल के स्ट्रक्चरल फंक्शनल फीचर्स क्या थे और रूट हेयर सेल्स के क्या थे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लोएम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चरल फंक्शनल फीचर्स क्या है। अच्छा बच्चे, जाइलम का हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि इट इज़ डेड क्योंकि उसके सेल कॉन्टेंट्स नहीं है, बट फ्लोएम जो होती है लिविंग होती है, इसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। अच्छा, मज़े की बात, इसका स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में नहीं है, ये इसी मैंने थोड़ा सा शक्ल दिखाने के लिए बनाया कि इसके कुछ इस तरह के होल्स वाले पोरस किस्म की प्लेट्स होती हैं, कुछ इस तरह के कंपेनियन सेल्स होते हैं। यानी कोर्स में ऑल्दो ये नहीं है, पर ऐसे थोड़ा सा बताने के लिए कि जाइलम से डिफरेंट होता है, ये लिविंग होता है, जबकि जाइलम क्या होती है, डेड होती है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं, तो आप ये लिख सकते हो। सबसे पहले पूछा गया है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू, कि सबसे पहले बताएं कि फ्लोएम का काम क्या है। अब रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जाइलम जो है, जाइलम क्या कंडक्ट करता होता है, मेनली वाटर। आप लोग कैसे याद रख सकते हो इससे, देखो जाइलम W फॉर वाटर, तो WXY अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये वाटर करता है। जबकि फ्लोएम जो है बच्चे, इसका फोनिक किससे मिल रहा है, एफ यानी कि फूड से, तो फ्लोएम के अंदर कोई फूड मटीरियल होगा। सो स्टेट द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू क्या है। नंबर 1 के ट्रांसपोर्ट करता था, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए वर्ड क्या यूज करना है, ट्रांसलोकेट। सो इट ट्रांसलोकेट्स नंबर 1 सुक्रोज डिजॉल्व इन सोल्यूशन प्लस अमाइनो एसिड्स फ्रॉम सोर्स यानी कि मीजोफिल सेल्स इन अ लीफ टू अ सिंक एग्जाम्पल रूट्स या फ्रूट्स। यानी वही कॉन्सेप्ट जो पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसलोकेट करवाता है किस चीज़ को, सुक्रोज को एंड अमाइनो एसिड्स को विच आर डिजॉल्व इन सोल्यूशन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स का मतलब है जहाँ पे ये बनते हैं या जहाँ पे ये पड़े होते हैं, एग्जाम्पल मीजोफिल सेल्स, वहाँ से जाते हैं स्टोरेज यानी सिंक में, जैसे कि रूट्स एंड फ्रूट्स में। तो ये इनका काम होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। दूसरी बात, एक चीज़ आप लोगों ने बच्चे याद रखनी है कि इन स्टेम, एक स्टेम के अंदर जाइलम वेसल्स आर इन द सेंटर। जाइलम वेसल जो होते हैं, एक सेंटर में होता है। यानी अगर मैं एक स्टेम को काट के देखूँ तो जाइलम वेसल जो होगा मुझे मिड में नजर आएगा, जबकि फ्लोएम टिश्यूज आर आउटवर्ड। जबकि फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं वो इसके सराउंडिंग में, यहाँ पे साइड पे होते हैं, इस तरह करके, ठीक है। यानी जाइलम वेसल मिड में है और इसके सराउंडिंग में फ्लोएम टिश्यू है। तो इन स्टेम जाइलम वेसल्स आर इन द सेंटर वाइल फ्लोएम टिश्यूज आर आउटवर्ड सराउंडिंग द जाइलम वेसल, ठीक है। ये क्यों चीज इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चंस क्या आए हैं हम लोग वो देखते हैं। तो क्वेश्चन बच्चे इस पे ये आया है कि क्वेश्चन वॉज कि माइक्रोपेपेट्स, माइक्रोपेपेट्स कहते हैं वो जो नहीं ड्रॉपर टाइप चीज़ होती है, उसके ऊपर सिरिंज भी लगी होती है। सो माइक्रोपेपेट्स आर यूज्ड टू टेक सैंपल्स फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू इन स्टेम। कहते हैं माइक्रोपेपेट्स यूज किए जाते हैं कि उस स्टेम में घुबाए जाते हैं और वो थोड़ा सा दबा के उनके अंदर थोड़ा सा सांप लिया जाता है फ्लोएम टिश्यू से। दीज सैम्पल्स आर एनालाइज फॉर देयर कॉन्टेंट्स, फिर देखा जाता है इनके अंदर क्या चीज़ है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए फ्लोएम में क्या क्या था, सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड्स। एक्सप्लेन हाउ दिस माइट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कितना ऑकवर्ड क्वेश्चन है, फ्लोएम से फोटोसिंथेसिस का क्या ताल्लुक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन था। तो अब बच्चे जरा गौर से आप लोग सोचो कि कितना गहरा ताल्लुक है, क्या गहरा ताल्लुक है कि फ्लोएम में क्या क्या होता था, सुक्रोज, फ्लोएम में क्या होता था, अमाइनो एसिड्स, और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स ही नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, हम लोग ये नहीं पता लगा सकते थे कितनी फोटोसिंथेसिस हुई। अब कैसे, वो हम आंसर में पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, नंबर 1 फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज, व्हिच इज देन चेंज्ड इनटू सुक्रोज। फिर उसको किस में फॉर्म किया जाता है, सुक्रोज में। रिमेंबर, प्लांट के अंदर कैसे ट्रैवल करती है, सुक्रोज में। इट इज देन पासिस इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन थ्रू द फ्लोएम टिश्यू, फिर ये सुक्रोज किससे गुजरती है, फ्लोएम से, इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज वेरीज विद द रेट ऑफ PS का मतलब मैं फोटोसिंथेसिस कहता हूं तो मैं सर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज जो है वो फोटोसिंथेसिस के साथ वेरी करती है, क्योंकि देखो जितनी फोटोसिंथेसिस उतना ग्लूकोज, जितना ग्लूकोज उतना सुक्रोज। सो इट इज हाईएस्ट व्हेन फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, तो जब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो आप माइक्रोपेपेट में जब सैंपल देखोगे तो बहुत ज्यादा होगा, और जब नहीं हो रही होगी तो इसका मतलब बहुत कम होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा था। तो यानी ये देखो इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर पुराने कॉन्सेप्ट यूज करने थे। एक और क्वेश्चन जो फ्लोएम से रिलेटेड आ गया है वो ये था कि सजेस्ट वाई सम इंसेक्ट्स दैट आर पैरासिटिक ऑन प्लांट्स, पैरासिटिक का मतलब है कि वो प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं। सजेस्ट वाई सम इंसेक्ट्स दैट आर पैरासिटिक ऑन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम फ्लोएम रादर देन फ्रॉम जाइलम।
अब जरा आप गौर से सोचो, सबसे पहले कि फ्लोएम से ही ज़ाहिर है फूड मिलेगा, ज़ाइलम में तो फूड होता नहीं है। दूसरी बात इसमें कि फ्लोएम आउटवर्ड्स है तो इंसेक्ट्स के लिए पेनेट्रेट करना ईजी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था, अब इसका आंसर कैसे देना है वो देखते हैं। पहले आप लोग बल्कि ये किया करो, हर FAQ के अंदर ना आप वीडियो स्टॉप करके फिर थोड़ा सा अपने बाय हार्ट इसका आंसर सोचा करें कि क्या होता, ताकि आपकी एनालिटिकल जो वो हैं टेक्निक्स हैं वो भी बेहतर हो। तो अब इसका आंसर क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहले फ्लोएम टिश्यूज़ आर नियर टू द आउटर रीजन इन स्टेम। अभी हमने पढ़ा कि फ्लोएम टिश्यूज़ जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, एंड दे हैव अनथिकन्ड एंड सॉफ्टर वॉल्स। दूसरा हमने कहीं नहीं पढ़ा कि फ्लोएम में लिग्निन होता है, तो इनकी वॉल्स भी क्या होती हैं, सॉफ्टर और अनथिकन्ड होती हैं। सो एक तो बाहर हैं, दूसरे के सॉफ्टर हैं, सो मेकिंग दम ईजी फॉर द इंसेक्ट्स टू पेनेट्रेट। तो आराम से इसे पेनेट्रेट कर सकते हैं। इट कंटेन्स सुक्रोज विच इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज बाय इंसेक्ट्स फॉर रिस्पायरेशन टू रिलीज एनर्जी। दूसरा इस फ्लोएम में एक्चुअली क्या होता था, सुक्रोज जो कि यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर रिस्पायरेशन टू रिलीज एनर्जी, जो इंसेक्ट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज, इट कंटेन्स अमाइनो एसिड्स विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। तो यानी कि इसके अंदर ये दो चीज़ें हैं जो इंसेक्ट्स को चाहिए, और दूसरा इसके अंदर एक तो सॉफ्ट वॉल्स हैं, दूसरा बाहर है तो इंसेक्ट्स इसको रीच भी कर सकते हैं। इसी वजह से इंसेक्ट जो हैं पैरासिटिक वो फ्लोएम से अपना फूड हासिल करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लोएम, इनको आप एक बार लिख भी लो और याद भी कर लो। फिर हम आते हैं इनकी अरेंजमेंट पे। हमने इनके स्ट्रक्चर फंक्शन देख लिए, अब इनकी अरेंजमेंट देखते हैं कि रूट्स शूट्स और लीव्स में कैसे अरेंज्ड होते हैं। ओके बच्चा, तो रूट्स, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम एंड फ्लोएम इन अ डाइकॉट प्लांट। अच्छा, डाइकॉट वर्ड बार बार आ रहा है, इसको हम रिप्रोडक्शन यानी लास्ट चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में यही प्लांट है, मोनोकॉट्स नहीं है। सो अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इन अ डाइकॉट प्लांट, कि एक डाइकॉट प्लांट में अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट्स के अंदर कि रूट्स में जाइलम और फ्लोएम कैसे अरेंज्ड होते हैं, यानी अल्लाह ताला ने इन्हें कैसे अपनी अपनी जगह पे फिट रखा हुआ है। फिर आपने इनकी अरेंजमेंट याद करनी है, क्योंकि ये एक तो MCQs में बहुत बार आ चुकी है। इनफैक्ट जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे पेपर्स में भी आई थी ये वाली, एग्जैक्ट आई थी। और दूसरा ये थ्योरी में भी पूछा जाता है कि आप इनके जो ये डिस्क्रिप्शन है बताएं, जो मैंने थोड़ी नीचे रेड लाइंस में लिखी हैं, कि कैसे अरेंज्ड होता है। तो ये MCQ के लिए फिगर्स हैं और थ्योरी के लिए ये हैं। तो अब सबसे पहले बच्चे रूट्स का अगर देखा जाए, तो आपको पता है रूट्स जो होते हैं वो इससे एलोंगेटेड थ्रेड्स होती हैं। अब अगर मैं एक रूट को कट करूं और बिल्कुल फ्रंट से देखूं, तो मुझे इस तरह का एक गोल पोर्शन नज़र आएगा, और इस गोल पोर्शन को अगर मैं मैग्नीफाई करूं तो मुझे कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो अब मैं एक्चुअली वो देख रहा हूँ। अब इसमें अगर देखा जाए तो बच्चे जाइलम जो होता है वो मिड में होता है, ठीक है, यानी कि एग्जामिनर आपको इस तरह की शेप भी दे सकता है, एग्जामिनर आपको इस तरह की शेप भी दे सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो या जाइलम जो होता है बिल्कुल मिड में होता है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो बिल्कुल ये एक्स की शेप बनी है, तो एक्स की शेप जो बनी हुई है, एक्स की शेप का मतलब क्या है कि ये जाइलम है, ठीक है, जबकि साइड पे जो आउटर रीजन्स हैं, इन आउटर रीजन्स में क्या है, फ्लोएम है। तो एक्स जाइलम, फ्लोएम जो है वो किधर है, आउटवर्ड साइड, यानी कि ऑल्टरनेट पड़ा हुआ, फ्लोएम फिर जाइलम का स्टेम, फ्लोएम फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम। तो जाइलम मिड में एक्स है और साइड पे ऑल्टरनेट रीजंस में फ्लोएम है। सो ओनली वन जाइलम टिश्यू इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द रूट, एक ही जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द रूट, ये डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ। फ्लोएम अकर्स इन ऑल्टरनेट रीजन्स, फ्लोएम किस तरह अकर हो रहा है, ऑल्टरनेट रीजन्स में अकर हो रहा है। तीसरा, जाइलम एंड फ्लोएम नॉट पेयर्ड इन रूट्स, आप देख रहे हो कोई पेयर्स नहीं है, अलग अलग सब कुछ पड़ा हुआ है, यानी आपस में जुड़ के पेयर्स नहीं बनाए हुए। तो जाइलम इन द मिडल, वन जाइलम टिशू, और ये जरूरी नहीं है 4 हो, इससे ज्यादा फ्लोएम टिश्यूज भी हो सकते हैं और पेयर्स में नहीं है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन कि रूट्स में ये कैसे अरेंज होता है। अब आते हैं हम लोग स्टेम की तरफ। तो बच्चे स्टेम की अगर बात की जाए, तो स्टेम में जिसकी अरेंजमेंट होती है, अब वही कि यह इलॉन्गेटेड स्टेम है, इसको मैंने कट किया और बिल्कुल सामने से अगर मैं देखूं तो मुझे इस तरह का गोल पोर्शन दिखाई देगा। अब वही हमने जो पीछे तो आंसर पढ़ा था कि जाइलम स्टेम में किधर होते हैं, इनवर्ड्स मौजूद होते हैं जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाए हैं, और फ्लोएम किधर मौजूद होते हैं, आउटवर्ड्स जो मैंने इसको रेड कलर से दिखाया हुआ, ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश हो सके, इनके एक्चुअल कलर्स ये नहीं होता। तो जाइलम इनसाइड है, फ्लोएम आउटसाइड है, बिल्कुल रूट्स में जाइलम इनसाइड था, फ्लोएम थोड़ा आउटसाइड था, लेकिन इनकी अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। सो मेनी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, अब आप देख रहे हो कि बहुत से जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज हैं प्रेजेंट ऑन द सर्कमफेरेंस यानी कि आउटर रीजन ऑफ द स्टेम, वेयर जाइलम इज प्रेजेंट इनवर्ड्स
एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट आउटवर्ड्स. जाइलम किधर प्रेजेंट है? इनवर्ड्स. फ्लोएम किधर प्रेजेंट है? आउटवर्ड्स. तो जाइलम इनवर्ड्स, फ्लोएम आउटवर्ड्स. जाइलम एंड फ्लोएम अकर इन पेयर्स. दूसरा आप देख रहे हो कि इनके क्या बने हुए हैं यहाँ पे, पेयर्स. तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन जो स्टेम में होती है, ठीक है. तो स्टेम वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लो, ठीक है. इनको याद करना है आपने. ये सिंपल चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, दो तीन बार रिपीट करने से और लिखने से याद हो जाएगा. अब आते हैं लीव्स में कि लीव्स में इनकी क्या अरेंजमेंट होती है. अब बच्चे अगर लीव्स का देखा जाए तो अगर हम लोग लीव्स में देखें तो लीव्स में क्या होता है कि बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि सपोज ये लीफ, ठीक है. अब लीफ को मैं अगर कट करूं और कट करके बिल्कुल मैं फ्रंट से अगर देखूं लीफ के स्ट्रक्चर को, फ्रंट से देखूं, तो फ्रंट से मुझे किस तरह का दिखेगा? फ्रंट से मुझे बिल्कुल इस तरह का दिखेगा, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपने जब लीफ कट किया तो आपने देखा बिल्कुल मिड में जो था वैस्कुलर बंडल था. याद है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बिल्कुल मिड में वैस्कुलर बंडल है. अब इसमें हमें कैसे पता जाइलम और फ्लोएम कैसा है? पेपर में तो कलर्ड मिलेगा नहीं. तो इसमें आपने बच्चे याद रखना कि ऊपर वाला जो है, ऊपर जो अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है वो होता है जाइलम, और जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है वो होता है फ्लोएम, ठीक है. तो जाइलम ऊपर की तरफ, फ्लोएम नीचे की तरफ. दूसरा आप देख रहे हो फ्लोएम थोड़ा छोटा है, जाइलम का ल्यूमेन थोड़ा बड़ा है, ठीक है. सो जाइलम इज ऑब्जर्व एज ए टिश्यू विद अ वाइडर ल्यूमेन. इसका थोड़ा वाइडर ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब क्या था? वो जो हॉलो सुराख होता है. एंड इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस. जाइलम जो होता है इसका थोड़ा वाइडर ल्यूमेन है और ये अपर एपिडर्मिस के पास होता है. फ्लोएम का छोटा ल्यूमेन है और ये लोअर एपिडर्मिस के पास होता है. तो लीफ में जाइलम ऊपर अपर एपिडर्मिस के पास, फ्लोएम नीचे लोअर एपिडर्मिस के पास. सो दिस इज द पोजिशनिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द लीव्स. तो रूट्स के अंदर किस तरह का था? मिड में जाइलम था, साइड पे फ्लोएम था. स्टेम्स के अंदर किस तरह का था कि मिड में जाइलम और साइड पे फ्लोएम इन अकर इन पेयर्स. और जो लीव्स था इसके अंदर किस तरह का था? ऊपर साइड पे जाइलम, नीचे फ्लोएम. सो दीज आर द अरेंजमेंट्स फॉर जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स. तो यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स भी कंप्लीट होता है. तो सिंपल था, देखिए कुछ मुश्किल नहीं था. 90% चीज़ें हम पीछे कर चुके थे, सिर्फ अब ये देखिए छोटी छोटी एडिशनल चीज़ें करनी है. अब हम आते हैं नेक्स्ट एक नोट की तरफ, उसके बाद हम अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. तो बच्चा नोट ये है कि ये खास तौर पे आईजी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईजी में इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं और जीसी में इस पे एमसीक्यू आ चुका है कि सम प्लांट्स टेंड टू स्विच देयर सोर्सेज एंड सिंक्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ अ ईयर. ये होता क्या है कि कुछ प्लांट जो है वो अपना सोर्स और सिंक जो है वो स्विच कर लेते हैं. कैसे? कि आप देखते हो कि प्लांट जो होता है उसके रूट्स होते हैं और उसके लीव्स होते हैं, ठीक है. तो अब सपोज जो रूट्स होते हैं उसके अंदर, याद हमने बताया था कि सब चीज़ें जो फूड वगैरह था वो स्टोर हो जाता था, और लीव्स क्या करते थे? मैन्युफैक्चर. तो ये क्या होता था? सोर्स. ये क्या होता था? सिंक होता था. लेकिन कुछ टाइम्स ऑफ द ईयर में क्या होता है कि ये स्विच हो जाता है. स्विच का मतलब क्या है कि अब ये बन जाएगा सिंक, ये बन जाएगा सोर्स. कैसे? जैसे विंटर्स में, जब हर जगह की बात नहीं कर रहा, ये मैं स्नोई माउंटेन्स की बात करूं कि वहाँ विंटर्स में क्या होता है, व्हेन फोटोसिंथेसिस रेयरली अकर्स. तो अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो क्या बच्चे लीव्स किसी काम के रहेंगे? नहीं. तो लीव्स किसी काम के नहीं रहेंगे तो बजाय इनको कुछ प्रोड्यूस करने के, ये तो इनको कंजम्पशन चाहिए होगी ग्लूकोज की. तो अब इनको ग्लूकोज कौन देगा? वही सोर्स जिसके अंदर इन्होंने स्टोर किया था. तो यानी अब स्टोर जो है उसके अंदर वो ग्लूकोज जो स्टार्च है वो वापस ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज में, और अब यहां से लीव्स को वो मिलेगी. तो यानी गर्मियों में ये सोर्स था, ये मैन्युफैक्चर कर रहा था और ये सिंक था. लेकिन सर्दियों में क्या हो जाएगा? ये सोर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सिंक. तो यानी कि इन्होंने अपना सोर्स और सिंक क्या कर लिया? स्विच कर लिया. तो सम प्लांट्स टेंड टू स्विच देयर सोर्सेज एंड सिंक्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ अ ईयर, एग्जाम्पल विंटर्स, एंड व्हेन फोटोसिंथेसिस रियली अकर्स. सो द स्टोर्ड ग्लूकोज इन द सिंक इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. द एंजाइम्स ब्रेक डाउन स्टोर्ड न्यूट्रिशंस इन रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. देयरफॉर द रूट्स बिकम द सोर्स व्हाइल द लीव्स बिकम द सिंक. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है. तो इसको एक बार रिपीट कर लो कि ये दोनों क्या हो जाते हैं? स्विच हो जाते हैं.